उसके ऊपर कोई टारगेट नहीं था, जहाँ मर्जी वहाँ गोली चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब है या तो वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, या उसके पीछे बहुत बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी थी, लोगों ने ट्रेंड करके भेजा तुम दहशत फैलाओ, माहौल ख़राब करो। ये सब चीज़ें तब होती हैं जब राजनीतिक तौर पर कॉन्स्पिरेसी कराई जाती है सरकार को बदनाम करने की। एक राजनीतिक साजिश कई बार होती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से ही बिहार सरकार को बदनाम करने का काम किया है। जंगल राज क्या क्या कहते रहे वो लोग, एक जांच का विषय तो है ही। ये घटना कोई सामान्य अपराध का मामला नहीं है, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है और कई लोगों ने उनसे डिमांड भी किया है कि आप इस पूरे संदर्भ की, पूरे घटनाक्रम की जाँच कराएँ और जो सच्चाई वो सामने आना चाहिए। इसके पीछे अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है और कोई राजनीतिक साजिश है वो भी एक्सपोज होना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बेगूसराय गोली कांड पर सीएम नीतीश कुमार के बयान से सवाल उठ रहे हैं, क्या अपराधियों ने जाति धर्म पूछकर गोली मारी? आखिरकार गोली कांड पर जाति धर्म की बात क्यों? इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। कैसे देख रहे हैं सीएम नीतीश ने जो बयान दिया, आखिरकार उसको क्यों जाति और धर्म की तरफ घुमाया जा रहा है? जो हकीकत है उन बातों को क्यों नहीं वो जाहिर कर रहे हैं, उस चीज़ को क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस संदर्भ में ऐसा कहा है, उनके पास हो सकता है ऐसा कोई इनपुट हो। कांग्रेस की नज़र में ये अपने आप में एक शोध का विषय है। जिस तरह से अपराधियों ने लंबे दूरी तक गोली चलाते हुए बेगूसराय में घुमा, कई थाने को क्रॉस किया और प्रायः निरीह और कमज़ोर गरीब लोगों पर गोलियां बरसाई, तो यह जो क्राइम को जानते हैं, जो क्राइम के चीज़ों को देखते हैं, उनके लिए भी एक अबूझ पहेली है कि आखिर कोई अपराधी लगातार गोली चलाया जा रहा है, उसका लक्ष्य, इसका मतलब कहीं अपराध नहीं था, भय का वातावरण बनाना था और कोई उसके ऊपर कोई टारगेट नहीं था, जहाँ मर्जी वहाँ गोली चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब है या तो वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, या उसके पीछे बहुत बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी थी, लोगों ने ट्रेंड करके भेजा तुम दहशत फैलाओ, माहौल ख़राब करो। ये सब चीज़ें तब होती हैं जब राजनीतिक तौर पे कॉन्स्पिरेसी कराई जाती है सरकार को बदनाम करने के लिए। चपेट में आए हैं क्या, आपको आपको अभी भी सूझबूझ ये चीज़ हो रही है कि क्या उन सब उन हालातों को अगर देखा जाए, उन चीज़ों को अगर एक नज़र निगाह अगर देखा जाए, तो आपको नहीं लगता है कि इसे यहाँ बिहार में जनता का राज खत्म हो गया है और नीतीश कुमार जाति धर्म की बात करने लगे? देखिए, बिहार में सरकार ने बेहतर काम आरम्भ किया है, लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, सत्ता से बेदखल कर दी गई है, बिहार इनफैक्ट बीजेपी मुक्त हो गया है। तो एक राजनीतिक साजिश कई बार होती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से ही बिहार सरकार को बदनाम करने का काम किया है। जंगल राज क्या क्या कहते रहे वो लोग, तो एक जांच का विषय तो है ही। ये घटना कोई सामान्य अपराध का मामला नहीं है, अपराध अगर करने कोई आया होता तो टारगेट पर हिट करता, गोली चलाते हुए नहीं चलता रहता। इसका मतलब है कि गड़बड़ी है, अभी तो है ना कि चीजों को घुमाया जा रहा है, आखिरकार जांच क्यों नहीं हो रही है और कार्रवाई की बात क्यों नहीं कही जा रही है, बातों को गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है? नहीं नहीं, कोई बातचीत को गोल गोल नहीं घुमाया गया है, ये आप लोगों का अपना आकलन हो सकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है और कई लोगों ने उनसे डिमांड भी किया है कि आप इस पूरे संदर्भ की, पूरे घटनाक्रम की जाँच कराएँ और जो सच्चाई वो सामने आना चाहिए। इसके पीछे अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है और कोई राजनीतिक साजिश है वो भी एक्सपोज होना चाहिए, ऐसा हम सब की भी ये मांग है और मैं सोचता मुख्यमंत्री जल्दी कुछ करेंगे। गलतियों को मानने के बजाय अगर किसी चीज़ को उसका अलग डायरेक्शन दिया जाए, क्या ये कहीं से उचित है? इस भ्रम को दूर करिए, कोई डायरेक्शन अलग देने की कोशिश नहीं हो रही है, ये अपने आप में अबूझ पहली है ये घटना। या तो वो दिमागी तौर पर ठीक आदमी नहीं था जो इस तरह का हरकत किया, अगर वो क्रिमिनल होता और अपराध से जुड़े मामले को लेकर अपराध करने के उद्देश्य आया होता तो टारगेट पर अपराधी हिट करता है और भागता है, टहलते नहीं रहता है लगातार। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते और इस साजिश को जांच के बाद ही सामने उजागर कीजिए ना, उजागर करने की बजाय बिहार के मुखिया कह रहे हैं कि जाति धर्म देख करके ऐसा किया गया, वहाँ एक ही जाति के वहाँ मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं, समुदाय के रहते हैं, इन सब चीज़ों के इन सब इससे क्या ताल्लुकात है?
तालुकात जांच के बाद सामने आएगा, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसका कोई आधार जरूर होगा, तभी तो मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ गोली चलाया है वो बताता है कि उसमें कहीं न कहीं कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो सकता है। विपक्ष कह रहा है कि बिहार तो संभल नहीं रहा है, केंद्र क्या संभालेंगे? विपक्ष में कौन है, बीजेपी है? बीजेपी वाले लोग तो ऐसे बोलते रहे, बोलने दीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये घटना सरकार ने संज्ञान में लिया है और मुख्यमंत्री के स्तर से और पूरे विभाग इस पर तत्पर है, और जल्दी ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए हम सभी चाहते हैं इस पूरे प्रकरण की जाँच हो और कॉन्स्पिरेसी का पार्ट उजागर होना चाहिए। जिस तरह से प्रशांत किशोर को पार्टी से, जदयू पार्टी से निकाला गया, पवन वर्मा को निकाला गया, फिर पीके की वापसी की बात कही जा रही है जदयू में, क्या आपको नहीं लगता है कि जो चीज़ बिहार में घट रही है, जो घटनाएं घट रही है, उन सब चीज़ों पर फोकस करने के बजाय नीतीश कुमार इन दिनों, नहीं लगता है कि दिल्ली की राजनीति की तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो रहा है, बाकी चीज़ों पर फोकस कम कर रहे हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उनके दल में कई लोग थे, चले गए, फिर मिलने की इच्छा प्रकट की पीके ने, तो मुख्यमंत्री ने मुलाकात का समय दे दिया। अब अगर अपने पार्टी का कोई राजनीतिक दल का नेता है, चीफ मिनिस्टर है, तो अपने पार्टी का नेता भी तो है, तो क्यों नहीं अपने पार्टी के विस्तार की बात सोचेगा, क्यों नहीं राजनीति की बात सोचेगा? एक जल्दी ही लोकसभा के चुनाव भी 2024 में होने हैं, तो हर दल उस स्तर से अपनी तैयारी को आरंभ किया है। अगर JDU भी करना चाह रही है और कर रही है, तो इसमें बुराई क्या है? एक मंत्री CM के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि जो राजनीति होनी चाहिए थी निष्पक्ष तरह से वो नहीं हो पा रही है, चीज़ों को कुछ और ही दर्शाया जा रहा है, आगे किया जा रहा है? इसमें गड़बड़ी कहाँ से हो रही है? मैं समझता हूँ गठबंधन की सरकार है, इसको समझना होगा। विभिन्न दलों के नेता इसमें मंत्री के रूप में शामिल है। मैं समझता हूँ हर मंत्री को अपने बयान भाषण संयमित तरीके से तथ्य पर आधारित बात करनी चाहिए, और अगर कहीं कुछ समस्या है और उनको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो बयान देने और भाषण देने के बजाय मुख्यमंत्री से मिलकर बात करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस प्रकरण में जो भी चीज़ें आई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह का बयान कोई मंत्री को नहीं देना चाहिए था। और मैं समझता हूँ जिस दल के वो प्रतिनिधि हैं सरकार में, उस दल के नेतृत्व का काम है इस बारे में चीज़ों को देखे और इसका समय रहते समाधान कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस MLC प्रेमचंद मिश्रा। इस खबर से इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।